नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच लोहावत इलाके में एक बस बह गई है। यह हादसा जोधपुर के लोहावत में हुआ है, जहां पानी की लहरों की वजह से बस बहती हुई दिखी है। सड़क के किनारे ये बस बहते हुए पहुंच गई है। तस्वीरों में बस का आधा हिस्सा पानी में डूबा दिख रहा है। तो सैलाब की न जाने कितनी तस्वीरें आपने पिछले दिनों देखी होगी, जिसमें एक और तस्वीर इसमें जुड़ गई है। जोधपुर में लगातार बारिश हो रही है और लोहावत इलाके में एक बस बह गई। हादसा जोधपुर के लोहावत में हुआ है, जहां पानी की लहरों की वजह से बस बहती हुई है और सड़क के किनारे पहुंच गई ये बस। तस्वीरों में देखिए, आधा हिस्सा इस बस का डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और खबर आ रही है जोधपुर से। दो दिनों से बारिश हो रही है, हैरान करने वाली तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। जोधपुर के चांदपोल इलाके में अचानक इतना सैलाब आया कि कई लोग पानी के तेज धार में बहते दिखे हैं। बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, किस तरह पानी का बहाव इतना ज्यादा कि लोग अब उस पानी के बहाव में बहते चले जा रहे हैं। और ये किसी एक जिले की, किसी एक इलाके की तस्वीरें नहीं है। जोधपुर में जो दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसे हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। और जोधपुर के चांदपोल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां अचानक इतना सैलाब आया कि कई लोग पानी की तेज धार में बहते दिखे हैं। जोधपुर में हो रही लगातार बारिश की वजह से जोधपुर जिला और जोधपुर शहर पानी नजर आ रहा है। 48 घंटों की बारिश ने शहर की सूरत ही बदल कर रख दी है। सड़क पर समंदर बह रहा है, सैलाब के बीच मंदिर में आरती हो रही है। गली मोहल्लों में मानो झरना बह रहा है और रेलवे स्टेशन पानी से लबालब हुआ पड़ा है। सैलाब के बीच समंदर बने शहर की ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां नजरों को जमीन ढूंढे नहीं मिल रही है। जहां नजर जाती है, वहां पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दो दिनों से हो रही बारिश के बाद जोधपुर का यह हाल हुआ है। सबसे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। स्टेशन के बाहर झील जैसा नजारा है, लोग घुटने तक पानी में डूबे दिख रहे हैं और गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी के बाहर नजर आ रहा है। अब स्टेशन परिसर के अंदर की भी तस्वीरें देख लीजिए। पानी से स्टेशन का पूरा परिसर लबालब नजर आ रहा है। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जोधपुर के बाजारों का तो और भी बुरा हाल हो गया है। सैलाब की रफ्तार सारी हदें पार करते हुए दुकानों में जा घुसा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां सैलाब के जोर से पानी में ही तैरने पर मजबूर हो गईं। सैलाब के बीच ही लोग मंदिरों में आरती करते भी दिखाई दिए। मंदिर के अंदर घुसे पानी की इस रफ्तार को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा जोधपुर के रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है मानो यहाँ झरने का पानी बह रहा हो। शोर मचाते सैलाब को जिस ओर भी ढलान मिल रहा है, पानी का वेग उसी ओर अपना रुख कर रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में हीरानगर सड़क हादसा हुआ है। सड़क से नीचे लुढ़की HRTC बस, 20 से ज्यादा यात्री इसमें घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त, शिमला में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में हीरानगर सड़क में हादसा हुआ है, जहां सड़क से नीचे लुढ़क गई है HRTC की बस और इसमें 20 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी।
पुलिस मौके पर पहुंची है और जानकारी मिल रहा है कि 20 जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं। हमारे साथ चमन पलानिया सहयोगी जुड़ रहे हैं। चमन, फिलहाल हादसे को लेकर और क्या डिटेल्स मिल रही है? 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, कितने सवार थे उसमें? जी प्रीति, देखिए ये जो घटना हुई है, ये जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसके हरिनगर इलाके की घटना है। और जो बस है वो रोड से जो है वो लगभग खाई में 100 से फीट नीचे बताई जा रही है कि गिरी पड़ी है। और इसमें जो है 25 यात्री बस में मौजूद थे, जिसमें से 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और 2 जो यात्री हैं वो अभी भी बस के जो नीचे जो है दबे हुए हैं, और उनके लिए जो है प्रशासन ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। और अभी तक जो है माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इस बस में 25 यात्री बैठे हुए थे उसमें से 20 यात्रियों को जो है गंभीर चोटें जो है आई हुई है, जिन्हें शिमला के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है और उनका औपचारिक जो अस्पताल में जो इलाज है वो चल रहा है। चमन, शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां जोधपुर में भारी बारिश की वजह से एक मकान गिर गया है। मकान के मलबे में 2 बच्चे समेत 4 लोगों के दबे होने की खबर है। वहीं इस हादसे में एक महिला के मौत की भी खबर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से, जहां जोधपुर में भारी बारिश की वजह से ये मकान गिर पड़ा है और मकान के मलबे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। इस हादसे में एक महिला की मौत की भी खबर है। और देखिए किस तरह से मूसलाधार बारिश अब घरों की नींव को कमजोर करती हुई जा रही है, और खास तौर पर वो घर जो बहुत पुराने बने हुए हैं। बहुत गरीब लोग हैं, इनकी कोई नहीं है, कमाने वाला एक इंसान है। चोरी के भी लगी, 4 जने थे अंदर, एक की तो मौत हो गई और एक बहुत सीरियस है, और एक का हाथ और पैर गया, और लड़के से थोड़ी सी खरोच आई। और इधर राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले के कई इलाके में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। कई इलाकों में पानी भरा है और तेज सैलाब बह रहा है, जैसे मानो यहां झरना बह रहा हो। जोधपुर के रानीसर और मेहरानगढ़ से बारिश से हो रही तबाही की तस्वीरें सामने आई है। वहां पर झरना बहने लगा है और घरों के बीच से सैलाब अपना रास्ता बनाता हुआ नजर आया है। मंदिर में पानी भरा हुआ है। जोधपुर के अलग अलग इलाकों में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाजारों में अचानक आए सैलाब की वजह से कई गाड़ियां बह गई हैं। निचले इलाकों में बनी इमारतों की पहली मंजिल में पानी दाखिल हो गया है। जोधपुर में बारिश से हुई बर्बादी में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। इधर राजस्थान में हो रही भारी बारिश पर लगातार कहर की तस्वीरें आ रही हैं। भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं। सड़कें सब जो कुछ भी आपको दिखे गया, चाहे हम सड़कों की बात करें, घरों की बात करें, मंदिरों की बात करें, सब जगह पानी पानी है। सब कुछ पानी में डूब सा गया है। यहाँ इतना पानी बरसा है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो गया है। सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कई घर पानी में डूब गए हैं। इन मुसाफिरों का सफर बस से शुरू ही हुआ था, लेकिन बीच सफर में सैलाब ने ऐसा ब्रेक लगाया कि इन यात्रियों को बस छोड़कर बुलडोजर पर सवार होने की नौबत आ गई। ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं, जहां पहले तो रोडवेज की इस बस के ड्राइवर ने सैलाब के बीच बस उतारने का जोखिम उठाया, और जब बस पानी के बीच फंसी तो ड्राइवर मुसाफिरों को मझधार में छोड़कर ही भाग निकला। हम खड़े हैं सांगानेर कॉलोनी में, सांगानेरी गेट की कॉलोनी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोडवेज की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये रोडवेज बस 15 से 20 जनों को लेके तालाब जैसे पानी में यहाँ पे अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद फंस गई। फंसते ही 20 से 25 जनों के मन में भय आ गया, उन्हें अपनी जान का खतरा सताने लगा। सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवर की रही। ड्राइवर को मना किया गया, ड्राइवर को लोगों द्वारा मना किया गया, बस अंदर ना ले जाए, पानी भरा हुआ है। आसपास के लोगों ने आनन फानन में प्रशासन को खबर दी, तब जाकर मौके पर रेस्क्यू के लिए ये बुलडोजर मंगवाया गया, और फिर बस में सवार यात्रियों को पानी के बीच ही इस बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। कल रात को देर रात जो भारी बारिश हुई है उसके कारण कुछ इलाकों के अंदर पानी भर गया है, और अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ रोडवेज की बस जो ड्राइवर है उसकी गलती से उन्होंने
एक साइड में बस को घुमा दिया और वो पानी में फंस गई। फिर उनको हमने रेस्क्यू करके और सारी सवारियों को सकुशल बाहर निकलवाया है। सैलाब के बीच सावधानी बरतने की बजाय उसमें जोखिम लेने का क्या अंजाम होता है, अब वो भीलवाड़ा से ही आई इन दूसरी तस्वीरों से समझिए। जो कार अंडरपास में औंधे मुंह पलटी दिख रही है, उसके ड्राइवर ने वही जोखिम दोहराने की गलती की। पानी से लबालब हुए अंडरपास को पार करने की कोशिश में पहले कार का इंजन बंद हुआ और फिर कार में सवार ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस गया। आसपास मौजूद दो तीन लोग फौरन मदद के लिए आगे आए, लेकिन मुश्किल ये थी कि रेस्क्यू के बीच अंडरपास में पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। तीन तीन लोग कार का ड्राइवर गेट खोलने की कोशिश करते दिखे और इस बीच कार लगातार पानी के अंदर समाती जा रही थी। आखिरकार इन लोगों की कोशिश कामयाब हुई। लोगों ने खिड़की के अंदर से ड्राइवर को बाहर खींचा और आखिरकार ड्राइवर को कार से बाहर निकाला जा सका। इस बीच कार पूरी तरह पानी में समा चुकी थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर चंद सेकंड की भी और देरी होती तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भीलवाड़ा में पिछले 12 घंटों से हो रही बारिश की वजह से जिले के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए हैं। पिछले 12 घंटों में भीलवाड़ा में 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। पुराने शहर में तो बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। राजस्थान में जोधपुर में घरों में तो पानी घुसा ही है, बाजार भी पानी में डूब गए हैं। जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद इतना पानी भर गया है कि एलपीजी के खाली सिलेंडर पानी में तैरने लगे हैं। अचानक इलाके में इतना सैलाब आ गया है कि गैस एजेंसी के पास रखे ये खाली सिलेंडर पानी की तेज धार में बहते हुए नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे चलते हैं भवानी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ गए हैं। भवानी, ये जो तस्वीरें आ रही है मूसलाधार बारिश की, वो चिंता में डालती है, अभी क्या स्थिति है? देखिए प्रीति, इस वक्त मैं जोधपुर के रूपनगर इलाके के अंदर हूँ और ये आप मेरे हाथ में लाठी देख सकते हैं। ये इसलिए है कि यहाँ पर जगह जगह पर बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए हमें देखना पड़ रहा है कि इस पानी में पहले तो खुद को कैसे बचाएं। पंप लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम ने पानी निकालने के लिए घरों के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा गया है। सुबह से पंप लगे हुए निकालने की कोशिश की जा रही है, अभी भी हालांकि घरों के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है। एक तस्वीर कैमरा पर्सन को मनीष को कहूँगा कि आपको बताएं, देखिए ये जो कार है ये पूरी डूबी हुई थी, अब कुछ कम हुई है। आगे की पीछे की तस्वीर, पीछे की आप बड़ी तस्वीर में आप देखिए कि जगह जगह पर आगे भी एक ट्रैक्टर खड़ा है जहाँ से कोशिश की जा रही है पंप लगाकर निकालने की। यहाँ पर ये कारें थोड़ी देर पहले पूरी डूबी हुई थी, अभी भी कई ऐसे हैं जहाँ पर पानी 8 फीट से ज़्यादा है। हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि पानी में कैसे खुद को सुरक्षित रखें। इसलिए कोशिश की हमने कि हाथ में लाठी रहे, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि पानी के अंदर हम अंदर चले जाएं। तस्वीरें, पानी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रात को तो 8-10 फुट थे और बहुत अलग, रात को बहुत 10 फीट थे, पूरे घर डूबे थे, गाड़ी घोड़ा सब डूबे थे। देखो आप इनको, 24 घंटे से पानी भरा हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे ये पानी भरा हुआ। प्रशासन को भी बोलते, क्या स्थिति आपके घर में पानी है? अब क्या स्थिति है? अब कम हुआ, तो बहुत परेशान हो रहे होंगे आप कल से? पानी परेशान, दो दिन से परेशान है, कल भी जोधपुर में पानी भरा, आज भी वही स्थिति है, आज इससे ज्यादा थी। तो क्या हुआ, घर पे खाना वाना बना लिया? काम किया सारा? वो तो क्या करेंगे, पानी लाइट भी नहीं है, पानी नहीं है। तो आप घर से बाहर आ जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो, यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो? कह दो कल से यहाँ पर घर के अंदर, कह दो बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। तो आप देखिए कि छोटे बच्चे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चों के सामने काफ़ी दिक्कत है। पूरी तस्वीर इस कॉलोनी की, पूरी एक कॉलोनी की हम तस्वीर बता रहे हैं, सारी जोधपुर की कॉलोनियाँ ज़्यादातर जो थोड़े से लो लाइन एरिया के अंदर, उनके सामने सबसे बड़ी तस्वीर ही है। और आप कॉलोनी देखिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई, हम कच्ची बस्ती की तस्वीर बता रहे हैं। जोधपुर की जो डेवलप कॉलोनियाँ, बड़ी कॉलोनियाँ, उनमें से ये एक कॉलोनी है। और आप देखिए कि तस्वीर देखिए कि शहर के, जोधपुर शहर के बारिश के अंदर क्या हो गया। दो दिन बारिश हुई थी, उसके बाद में आप देखिए कि सामने की तरफ लोग छतों पर नजर आएंगे, दूसरी तरफ आप देखिए कि वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है, लोग छतों पर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं राहत के लिए, कि लोग मदद के लिए आएँ। तो मदद का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी मदद मिली। भाई साहब क्या हुआ, मदद मिल रही है आपको?
कोई आ नहीं रहा है।